2019 में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस के युवराज भी पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और इसी के चलते वो लगातार विदेशों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी को राहुल का विदेश जाना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए दौरों को लेकर वो लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस ने भी विदेशी दौरों का ब्यौरा देते हुए बीजेपी को करारा जवाब दिया है। राहुल के विदेशी दौरों पर सवाल उठाने वाले बीजेपी नेताओं को जवाब देते हुए कांग्रेस ने इन यात्राओं को स्टडी टूर बताया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सीपी जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में देश को नई दिशा और सोच देने के लिए राहुल विदेशों में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और नई नई चीजों के बारे में जानकारियां ले रहे हैं। सीपी जोशी ने कहा कि राहुल के इन टूर से पार्टी को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने देखा है कि कैसे दुर्भावनापूर्ण नीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला है। पीएम ने बिना कुछ सोचे समझे नोटबंदी लागू की, जिसके परिणाम के बारे में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा। सीपी जोशी ने कहा कि एक अच्छा नेता हमेशा पहले विकास करने के बारे में सोचता है। प्रधानमंत्री के बार बार विदेश टूर के बावजूद विदेश नीति गड़बड़ा गई है। आज के समय में देश की अर्थव्यवस्था अपंग हो गई है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राहुल ने नॉर्वे का दौरा किया था, जहां पर उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की थी। अब राहुल सिलिकॉन वैली जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोधकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।